सो हेलो गाइस, मैं मुसाइल बहुत फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 5 यूजफुल गैजेट्स लेके आया हूँ जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। और गाइस, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इन गैजेट्स में कोई भी गैजेट मनी वेस्ट नहीं होने वाला, और इसके अलावा जो इनकी प्राइसिंग है वो 100 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम 400 तक ही रहने वाली है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन गैजेट्स को देखने में तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो इस सबसे फर्स्ट जो गैजेट है हमारा वो है एक डिजिटल क्लॉक, और ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी। अगर आप ऑफिस वगैरह में काम करते हो या फिर इसे रूम में भी रख के यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये जो डिजिटल क्लॉक है ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, और यहाँ पे आप टाइम के साथ साथ डेट भी देख सकते हो, इसके अलावा अलार्म भी सेट कर सकते हो, और टेम्परेचर भी यहाँ पे शो करता है। और ये टेम्परेचर जो है काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, जो आपका रूम टेम्परेचर रहेगा जहाँ पे ये वॉच रखी रहेगी वहाँ का ये टेम्परेचर शो करने वाली है। और साथ ही यहाँ पे आपको पीछे की तरफ कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं जिसके हेल्प से आप एक तो डेट टाइम वगैरह सेट कर पाओगे, इसके अलावा यहाँ पे आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। और ऊपर की तरफ जो बटन यहाँ पे दिया गया है इससे आप अलार्म को स्नूज कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे इस डिजिटल क्लॉक में आपको लाइट भी देखने को मिलती है, तो जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे तो वो लाइट जो है ऑन हो जाती है। और गाइस, इस डिजिटल क्लॉक का एक जो फीचर है मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा वो है इसमें एक लाइट सेंसर दिया गया है। जैसे ही रूम में अंधेरा होगा जहाँ पे वॉच रखी है वैसे ही लाइट जो है इसके अपने आप ऑन हो जाएगी। और जो इस सेंसर की खास बात है वो ये है, जितना अंधेरा होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसमें लाइट जलेगी। ऐसा नहीं है कि फुल ब्राइटनेस के साथ वो लाइट जलेगी, जितना कम अंधेरा हुआ उतनी कम लाइट वो जलेगी, जितना ज़्यादा अंधेरा हुआ उतनी ज़्यादा वो लाइट जलने वाली है। तो ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो डिजिटल क्लॉक है ये सेल ऑपरेटेड है, यहाँ पे जो पेंसिल सेल होते हैं उन्हें आप डाल सकते हो, 3 पेंसिल सेल इसमें एक बार में डलते हैं। वैसे गाइज, इसके अलावा मैंने दूसरी वॉच भी देखी थी जो चार्ज होके चलती है, उसमें एक रिचार्जेबल सेल होता है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है अराउंड 1000 रुपीज़ थी, लेकिन इस वॉच की जो प्राइस है वो अराउंड 400 रुपीज़ थी, इसी वजह से मैंने इस वॉच को बाय किया। और साथ ही इसमें पीछे की तरफ आपको लाइट सेंसर ऑन ऑफ करने का स्विच भी दिया गया है, जिससे अगर आप चाहते हो कि इसमें लाइट जो है ना जले तो इस स्विच से आप उस लाइट को ऑफ भी कर सकते हो परमानेंटली। तो ये वॉच जो है आपकी ऑफिस टेबल पे या फिर वर्किंग टेबल पे जहाँ पे भी आप काम करते हो सबसे बेस्ट लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप घर में नॉर्मली रूम वगैरह में रख के इसे यूज़ करना चाहो तो वहाँ पे भी कर सकते हो। और चलिए गाइज, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड गैजेट की तरफ जो है एक कार्ड होल्डर। यहाँ पे आप इस कार्ड होल्डर को देख सकते हो, और सिंपली यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक बटन या स्विच कह सकते हो देखने को मिलता है, जैसे मैं इसे प्रेस कर दूँ तो ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको 6 स्लॉट देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 अलग अलग कार्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो, और मैंने यहाँ पे अपने जो कार्ड्स हैं वो डाले हुए हैं। और साथ ही पहले गाइज मैं यहाँ पे इस साइज़ का जो है कार्ड होल्डर यूज़ करता था, तो रिसेंटली मैंने इसे परचेज़ किया है क्योंकि इस कार्ड होल्डर में मैक्सिमम 3 या 4 कार्ड से आप डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप 6 कार्ड्स जो है डाल सकते हो या इससे भी ज़्यादा डाल पाओगे। साथ ही अगर आपके पास कुछ कैश आप कैरी करते हो तो वो भी यहाँ पे आप रख के यूज़ कर सकते हो। और ये जो कार्ड होल्डर है मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको देखने को मिलता है, जिससे इसकी लाइफ जो है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। साथ ही इसमें जो है ग्लोसी और शाइनी फिनिश दिया गया है, जिसे एज ए मिरर अगर आप कभी कभी यूज़ करना चाहो तो आप ऑन द गो इसे एज ए मिरर यूज़ कर सकते हो। और इस कार्ड होल्डर का जो प्राइस है अराउंड 250 रुपीज़ है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और वहाँ पे आपको और भी अलग अलग टाइप के जो है कार्ड होल्डर देखने को मिलते हैं, तो जो भी आपको बेटर लगे वो आप परचेज कर सकते हो। और चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट की तरफ जो कि है केबल प्रोटेक्टर्स। गाइज, यहाँ पे ये जो केबल प्रोटेक्टर्स है बहुत ही यूज़फुल है। जैसे आपके पास कोई भी चार्जर है या केबल है वो मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा जो यहाँ से एंड रहता है, यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं, तो ये जो केबल प्रोटेक्टर है इनको आप इस एंड पे डाल सकते हो। और यहाँ पे डालने के बाद जो भी आपकी चार्जिंग केबल है वो जल्दी से यहाँ से ब्रेक नहीं होने वाली और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना फ्लेक्सिबल इस केबल प्रोटेक्टर से कोई भी केबल हो जाती है, जिससे वो इजीली ब्रेक नहीं होती। तो ये जो केबल प्रोटेक्टर है बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 99 रुपीज़ के 8 पीसेस 10 पीसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा और आप इसे वहाँ से
बाय कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट जो गैजेट है वो है हमारा एक मोबाइल स्टैंड, और ये जो मोबाइल स्टैंड है डिजिटेक की तरफ से आता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी हैवी है, इस पर आप अपने स्मार्टफोन के साथ साथ टैबलेट को भी रख के यूज़ कर सकते हो, और मेटल की बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं होता। चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कितना भी प्रेशर इस पर डाल लूँ ये ब्रेक नहीं होने वाला। इसके अलावा आपने देखे होंगे जो फ़ोन होल्डर्स आते हैं वो प्लास्टिक बॉडी के साथ आते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रेशर डालने पर ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है। और आप अपने स्मार्टफोन को जो है किसी भी पोजीशन में यहाँ पे रख के यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंटर में जो है गैप देखने को मिलता है, जिससे अगर आप फोन को चार्जिंग लगा के रखना चाहो तो चार्जिंग लगा के भी रख सकते हो। और इस फोन होल्डर का जो प्राइस है वो अराउंड 150 rupees देखने को मिलता है, जो कि वर्थ है इसकी बिल्ड क्वालिटी को और यूजेस को देखते हुए। चलिए गाइज, फाइनली भी हम चलते हैं हमारे लास्ट गैजेट की तरफ, जो कि इन विंटर्स में बहुत ही यूजफुल है, और वो है ये ग्लव्स। गाइज, ये जो ग्लव्स है कोई भी सिंपल ग्लव्स नहीं है। इनकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इन ग्लव्स को अपने हाथों में पहन लिया है, सो गाइज अब अगर आप सिंपल ग्लव्स यूज़ करते हो तो उनमें क्या है, जैसे आप अगर फ़ोन चलाना चाहो तो आप उनमें फ़ोन नहीं चला सकते, लेकिन इन ग्लव्स की हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ही ईजिली ऑपरेट कर सकते हो। जैसे भी आप यहाँ पे देखोगे, मैं अपने स्मार्टफोन का जो है लॉक ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी इजीली मैं फ़ोन को जो है टच कर पा रहा हूँ, लेकिन वहीं अगर मैं इन दोनों फिंगर्स के अलावा किसी भी दूसरी फिंगर से मैं टच करने की कोशिश करूँगा तो फ़ोन का जो टच है वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस फिंगर से यूज़ करता हूँ फ़ोन को तो मैं इजीली फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइज़, ये जो ग्लव्स हैं इनके हेल्प से आप इजीली अपने स्मार्टफोन को ऑपरेट कर सकते हो और ठंड से भी बचे रह सकते हो। काफ़ी वार्म है ये ग्लव्स, और साथ ही यहाँ पे आपको ग्रिप जो है देखने को मिलती है। नॉर्मल ग्लव्स में क्या होता है कि आप जब फ़ोन को होल्ड करते हो तो फ़ोन जो है फिसल जाता है, लेकिन इनमें जो ग्रिप्स है काफ़ी अच्छे से दी गई है, तो इसकी हेल्प से एक तो आप फ़ोन को ग्रिप अच्छे से कर पाओगे, और साथ ही आपको दोनों ग्लव्स में जो है दो फिंगर्स मिलती है जिससे आप मोस्टली फ़ोन को यूज़ करते हो, और आप फ़ोन को काफ़ी अच्छे ढंग से और ईजिली यूज़ कर पाओगे इन ग्लव्स की हेल्प से। जैसे गाइस, मान लीजिए आप लोग बाइक पर कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से आपका फ़ोन रिंग करता है, आपको फ़ोन चलाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में ये ग्लव्स बहुत ही यूज़फुल रहते हैं, क्योंकि आप इजीली इन ग्लव्स की हेल्प से फ़ोन को ऑपरेट कर पाओगे। और गाइस, ऐसा नहीं है कि ये जो ग्लव्स है सिर्फ स्मार्टफोन ही ऑपरेट करने के लिए हैं, ये विंटर के अकॉर्डिंग भी काफ़ी गर्म है, वार्म है, और सर्दियों से भी आपको बचाए रखेंगे। और गाइस, इन ग्लव्स को जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, सो इन ग्लव्स में ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, ग्रिप देख रहे हो, जब मैंने ऑर्डर किया था तो ये ग्लव्स अवेलेबल थे, लेकिन अभी के टाइम में जो ग्लव्स अवेलेबल हैं उनमें ये ग्रिप नहीं देखने को मिलती, और उनका जो प्राइस है वो 200 rupees है, लेकिन ये 300 rupees के थे। तो उनका लिंक मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके अलावा वहाँ पे आपको और भी अलग अलग टाइप के जो है ग्लव्स देखने को मिलते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाले जो ग्लव्स है बहुत ही बेटर हैं, बस उनमें आपको एक ग्रिप देखने को नहीं मिलेगी, तो आप इन ग्लव्स को जो है ऑर्डर कर सकते हो। वैसे गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये जो ग्लव्स है इन्हें ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसके अलावा जो भी ये आप कार्ड होल्डर देख रहे हो, फ़ोन होल्डर है, ये वॉच है, या फिर ये केबल प्रोटेक्टर है, मैंने इन्हें ऑफलाइन बाय किया था, और ऑफलाइन मैंने कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा कॉस्टली ही बाय किया है। तो मैंने अपनी तरफ से अमेज़न पे सर्च करके जो भी इनका चीपेस्ट प्राइस अवेलेबल था उन सब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से बाय कर सकते हो। उसके अलावा इसी टाइप के आपको और भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको इनसे अच्छा और बेटर ऑप्शन मिलता है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो गैजेट्स मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में दिखाया आप लोगों को पसंद आए होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।